क्या करे, मैं तो 10 रुपए की दवाई भी नहीं करा सकी अपने बच्चे को। मैं कहा भैया मैं तो 10 रुपए की दवाई भी नहीं करा सकी कि मैं किसी से मांग के दवाई करा दूं, क्या करूं भैया। हाँ जी, मेरा सालू नाम है। मेरा बेटा है, मेरे कोल बैठा था 6 बजे। मैं टाइम इतना नोट नहीं किया, पर करीबन यही टाइम था, 6:30, 5:30 के 6 के बीच भी दी गल थी। कारण तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ बाहर, क्या नहीं हुआ। तो यहाँ से गया, 10 मिनट बाद मेरे को पता लग गया मुझे कि सारी कहने लगे करण का किसी ने चाकू मार दिया। फिर मैं यहाँ से दौड़ी दौड़ी गई, वहाँ देखा सब खून खचा। फिर मुझे शक हो गया कि मेरा बच्चा, 10 मिनट मेरा बच्चा नहीं जिया चाकू मारन तो बाद। और सब बाइक ते से ही 2-3 चार जने के 5 सभी मारा है, मेरा बच्चा तुरंत खत्म हो गया। लेकिन जो डॉक्टर साहब के जड़े लेडीज डॉक्टर मरी है ना, सजा दीती की है ऐसे, सर सजा दीजिए मेरे बच्चे के बारे में। मैं क्या ले, मैं अपने बच्चे को सिर्फ बच्चे पाया था, मैं किसी के धन दौलत तो मांग नहीं रही थी, किसी के मेरे बच्चा चोरी करके तो नहीं लाया। अब बाहर रही हो तो मैं बता नहीं सकती, ते ऊं तो करीबन नहीं लग रहा था कि लड़ाई करके आया था। अच्छे तो कोई लगता ही नहीं सी बेचारा, कभी गली मोहल्ले में किसी से बोला ही नहीं। 22 साल पूरा हो गए थे तो इस बार चल रहा था। फैमिली मैं हूँ, मेरा 2-3 बच्चे, मेरा घर वाला, मेरे सौरा है, मेरे 2 देवर हैं, मेरी दरानी है एक। हाँ जी, कार्रवाई तो चल, जैसे सत्य सच देव कि वो आगे किसी बच्चे को मार ना सके, चाहे हाथ पैर तोड़ देते, कुछ भी कर देते, तो मैं दवाई तो करा के कुछ दिन से देख लेती कि हमारा बच्चा जिंदा है। लेकिन हमारे बच्चे को तो हम 2 सेकंड नहीं देख सके जिंदा। उम्र कितनी थी? उम्र 22-23 साल की थी। क्या नाम है? करण। कारण वो ठीक है, और क्या कारण, जो हो गया वो ठीक ही है, जो बहुत क्या ज्यादा दस क्या मारा, इसको किस चीज से मारा? चाकू से। चाकू से? कोई पुरानी लड़ाई थी? नहीं, पुरानी लड़ाई तो हो चुकी थी पहले, रही जिसके नाल मुंडा गया था, जिसके नाल मुंडा गया था, कल हुआ है, वही पहले भी था लड़ाई में, आवाज भी वही था। क्या नाम है? क्या नाम है? विशाल। आपका नजदीकी है? नजदीक है, बिल्कुल करीब है। नहीं, यहाँ नहीं आता है, यहाँ बुलाकर क्यों लेकर गया? हाँ, वो फोन कर देता था बस, यहाँ नहीं आता था। कितना पढ़ा था करण? है करण कितनी? 10वीं प्लस टू कितनी हुई? अभी फ्री था। हाँ, तो फिर काम कुम कर जाता, कहीं महीना लगाता, 2 महीना लगाता। 6-5 महीना लगाया था। किस केस में था ये? अरे जर्दा बुक्की में ही है रहा। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। देखो जी, मानयोग डीजीपी पंजाब और एसएसपी पटियाला दिशा निर्देश हेठ पटियाला पुलिस जो है वो जेड़ा भी क्राइम होंदा है वो ते खिलाफ स्ट्रिक्ट अते स्विफ्ट एक्शन लेंदी है। इसी कड़ी दे विच कल शाम नु 6:30 बजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि करण नाम दा बंदा ते ओदा दोस्त जेड़ा हैगा विशाल, वो एक बाइक पे किथे जा रहे सीगे। वो पटियाला वर्कशॉप वालों अपने घर जो बापू सिंह कॉलोनी है उसे जा रहे थे, तो रस्ते में उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पे जो बंदे आए हैं उन्होंने घेरिया है, तो उन्होंने ऊपर हमला किया है। जेड़े 2 बंदे है जो दूजी मोटरसाइकिल पे बैठे थे वो अंदर अंश अमनमीत ते युवराज थे, तो 2 नामालूम व्यक्ति थे। इन्होंने जो है करण नू घेर के मारा कुटिया, ते उते बाद जो उते कोल छुरे सीगे उदा यूज करते हुए उदी छाती पे वार कीते, जिस वार कर करन कारण उदी जो है करन दी जो है मौके पे काफी ब्लड लॉस हो गया। ओनु जो है पब्लिक जो है लेके गए राजेंद्र अस्पताल, उथे जो है ब्रॉड डेड ओनु डिक्लेयर किया गया। पुलिस पार्टी जो है नाल दे नाल ही उथे पहुंच गई सीगी, ते उथे फोरेंसिक ते टेक्निकल जो है इंटेलिजेंस जो है शुरू की गई। SHO साहब अपने अमृत SHO सिविल लाइन ते इन्हां दी टीम ने बहुत वधिया काम कीता है। जेड़े भी सारे बंदे हैगे हैं, जेड़े इनवॉल्व हैगे, जेड़े भी वीडियो में दिखते हैं, वो सारे बंदे ट्रेस कर लिए गए हैं। उन्हें जल्दी असीं अरेस्ट करके
ਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅੰਸ਼ ਜੋ ਪਸਿਆਣੇ ਦਾ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਨਮੀਤ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵਸ਼ਿੰਦਾ, ਅਮਨਮੀਤ, ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਕਲਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਹਾਂ ਕਲਵਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਭੀ ਸਿੰਸ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਭੀ ਹਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ,